वालेगी आ जा भाई अश्विनी, मेरे को 10-15 दिन से दिख रही थी भाई तू। हो गया अश्विनी, अभी भी पेट भरा भटक के कि नहीं भरा? कितने साल हो गए तेरे को? 5 साल हो गए भटकते भटकते भटकते। अरे कुछ नहीं रखा बाबू इन चीजों में। कुछ नहीं रखा इन ड्रामों में बेटा। नहीं माँ, मैं लाइफ में कभी ड्रामा नहीं करी। चलो जो भी है, क्या वो ड्रामा नहीं था? कभी जैसी नीता को कुछ बोलना, फिर मेरे को ही बोलना कि मैं तो माँ जानबूझ के उसका झूठा नाम लगाई, ये वो पता नहीं क्या क्या। चलो छोड़ दू, किस काम के लिए? मेरा काम तेरा काम करना है, मैं यहाँ बैठी हूँ। अरे एक बार पहले मैंने तेरे को छाती से लगाया, मैंने हटाया तुझे, दोबारा तू पिछले गुरु इस गुरु पूर्णिमा से पिछले गुरु पूर्णिमा पे आई, तूने गुरु धारण करा, तब भी मैंने छाती से लगाया, मैंने हटाया तुझे। मैं आई थी ना माँ ग्रुप में, जब ही आई थी तू ग्रुप कोई नहीं है, अब फोन पे बात नहीं होती। वो समय गया जब मैं तुम लोगों की राजी खुशी पूछा करती थी। मैं आपके लिए रोज रोती हूँ जीवन में कभी। मैं क्या पूछ रही हूँ, तू पिछली गुरु पूर्णिमा पे आई जब दरबार राजापुरी में था, तूने तब दोबारा गुरु धारण करा, मैंने तब तुझे सीने से लगाया, मैंने तब तुझे निकाला, मैंने तब तुझे हटाया, आज तू फिर आई है तो फिर लगा लूंगी। बेटा माँ तो सीने से लगा लेती है, माँ माँ होती है, तू भी एक माँ है, तेरे को समझ में आता है। औलाद साड़ी बेकार होती है। मैं आज कभी किसी दरबार में नहीं गई हूँ, कभी किसी को गुरु नहीं। चलो छोड़ो अभी, बोलो आप क्या काम है लाइफ में कभी। अब बेटा मीठी मीठी बातों को ना, अब तो गुस्सा सा आता है मुझे, चल काम बोलो। मैं जीवन में कभी आज तक, चल तू खुश रहे, मैं यही कहूंगी मेरे जो भी बच्चे जहाँ भी है, आज नहीं तो कल कभी तो मुझसे जुड़े थे, हमेशा खुश रहे, मैं तो ये कहती हूँ। काम बोल बड़ा बड़ा। जो ग्रुप के लोग थे ना, उन्होंने मुझे बोला कि तेरे साथ संकट जुड़ा है, तो अभी गद्दी बैठेगी लगाएगी तो आप लोग आप लोगों से की बात तो फिर करो ना भरोसा, फिर घर में कोई ना कोई डेट हो। मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, अपनी खुद की जन्म देने वाली माँ पे तो भरोसा करते नहीं है, लेकिन पास पड़ोस से कोई कुछ भी बोल दो उस पर भरोसा कर देते हो, तो माँ की गलती नहीं है, आपकी गलती है। अब आप बोलो, अब मेरे को आपको कुछ काम करना है कि नहीं करना है, या ऐसे आए हो मिलने? नहीं माँ, मैं आपसे नहीं, आपसे जुड़ना चाहती हूँ। मेरे से तो पहले भी जुड़े थे, 2 बार जुड़ के चुके, आप 3री बार आए हो। मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, आपका मैंने दिल दुखाया इसलिए मुझे बहुत। मेरा कोई, मेरा किसी की औकात नहीं कोई मेरा दिल दुखा जाए, तुम लोग समझते ही तो नहीं हो। किसी की औकात नहीं कोई मेरा दिल दुखा जाए, क्योंकि मेरा दिल किसी के साथ लगा ही हुआ नहीं है, मेरा दिल उसके साथ लगा हुआ है और वो मेरा दिल कभी नहीं दुखाएगी, ये मेरे को पक्का पता है। माँ मैं ग्रुप में आ रही थी ना, तब किसी वो 3 लोग थे पानीपत वाली थी, उन्होंने बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास आज भी यहाँ पर लोग हैं, हजारों लोग डेली आते हैं मेरे पास, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, लेकिन फिर भी ये दरबार बढ़ता ही जा रहा है, इसकी लीला बढ़ती ही जा रही है, इसका नाम चलता ही जा रहा है। तू जब आती थी जब 100 लोग थे, अब तू अब आए आई है जब 2 लाख लोग हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे छोड़ कहीं किधर गई नहीं हूँ माँ। इसको सुनीता के साथ रद्दी मिली हुई है माँ, मैं माँ के सिवा कभी 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 किसी के दरबार में नहीं गई माँ आपसे। चलो मैंने ये नहीं कहा, दरबार में जाने वाले भी मेरे साथ जुड़े होते, मैं अपने किसी बच्चे को मना नहीं करती। कोई है क्या पुराना बच्चा भाई केशव, तेरे तूने मेरे से कभी पूछा कहीं जाने के लिए? मैंने कभी मना किया क्या? तुम्हें कभी मना किया भाई? तुम्हें कभी मना करा भाई? मैं तो कहती हूँ जाओ, भले तेरे को मना करा कभी, जिसका जहाँ से काम हो होना चाहिए, काम से मतलब है, फर्क सिर्फ इतना है तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। चल अब मुझे बता, मुझे अब क्या करना है, समय नहीं है बेटा इतना, बोल। पानी में डूबते हुए दिखाई देता है और बेटा है तेरा, चीता चीता रहता, काला चीता, वो अटैक करता मेरे ऊपर। तेरा कोई भाई वाई मरा हुआ है क्या? मेरा अभी भतीजा, वो भतीजा एक्सपायर हुआ ना, इसलिए मैंने गद्दी त्याग दिया। गद्दी लगाई कब तूने? नहीं लगाई थी। तो त्याग क्या दिया फिर? तो वही बता रही हूँ ना माँ, गलत फहमी आपको हो गई है। मेरे को क्या गलत फहमी होगी? मेरे पास तो तेरी कोई एक भी बात नहीं, तुम्हें होती है गलत फहमी। मुझे तो ये बता भाई, ये बच्चा इस दिन जुड़ा था, उसके बाद ये बच्चा है नहीं, तो वो बताती है क्या चल रहा है क्या नहीं। तो वो एक्सपायर हुआ ना माँ, तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, तो इन्होंने क्या बोला, तो अगर गद्दी पैसे कटी है ना तो एक के बाद एक मरेंगे, तो इसलिए मैंने बोला कि अभी मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं माँ से बोलती हूँ, मैं कुछ संकट कटवाती हूँ, फिर बाद में करती हूँ। देखो जो लोग इस तरीके की अफवाहें गद्दी के लिए फैलाते हैं ना, तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, मुझे नहीं पता तुम लोग क्यों नहीं समझते हो, पर मैं एक बात जरूर बता दूं कि तुम लोगों की गुरु मैं हूँ ना,
तो अगर कुछ गलत होगा तो पहले मेरे घर में होगा, कोई मरेगा तो मेरे घर में मरेगा, मैं कैसे आगे बढ़ रही हूँ? मुझे इस बात का जवाब दो, मैं भी तो इंसान हूँ, हूँ ना, मेरे घर में भी दुख तकलीफें होती होंगी, है ना? तो ये मेरा बुरा क्यों नहीं करती, तुम ही लोगों का बुरा क्यों करती है? फिर तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है इसका मतलब? या फिर तुम लोगों को एक ही बात समझ में आती है कि फलाने गुरु ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया? मुझे तो इतना, या तो पहले आ जाते हो, गद्दी चलानी है गद्दी चलो, छोड़ो वो भी सारी बातें खत्म करो। मैं साक्षात मैं जीता जागता सबूत हूँ, अगर ये कुछ बुरा करेगी ना तो मेरा भी बुरा होगा, पहले मेरा होगा तब मेरे किसी बच्चे का होगा। और बाकी तो बेटा जी ये घर गृहस्थी है, सबके घर में कोई ना कोई दिक्कत लगी हुई है, अगर उसको तुम दरबारों से जोड़ दोगे, गुरुओं से जोड़ दोगे तो तुम्हारी गलती है, उसकी गलती नहीं है। क्या तुम पहले बीमार नहीं होते थे? क्या तुम्हारे घर में पहले पैसे की कमी नहीं होती थी? क्या तुम्हारे घर में पहले झगड़े नहीं होते थे? फिर गुरु बनाने के बाद गुरु पे क्यों थोप दी जाती हैं सारी चीजें? गुरु तुम्हारा गुरु होता है, नौकर होता है तुम्हारा? चलो छोड़ो अब जो भी है, मेरे को क्या करना है ये इसको? हाँ ठीक है, बेटे की दिक्कत है, बस यही बात है। मेरा कमर में बहुत प्रॉब्लम है। वो तो शुरू से इतने, और अभी तो बैठा नहीं जाता मुझे। नाम बोल अपना। अश्विन। तेरे पति का नाम? बुगप्पा। हाँ बुगप्पा, सुनाई दे रहा मुझे। बुगप्पा, बुगप्पा। और तुम्हारे ससुर का नाम? किस्टप्पा। हाँ किस्टप्पा, किस्टप्पा। आपके घर में ये जो बच्चे की जवान मौत हो रखी है, ये आपके पूरे परिवार को परेशान कर रहा है। किसी की मौत नहीं हुई, मेरे भतीजे की हुई। हाँ वही बता रही हूँ, श्रीकांत नाम का। वो पूरे घर को परेशान कर रहा है वो, आपको नहीं, आपकी जहाँ मायका है वहाँ पे भी सबको परेशान करता है वो। घर में भूत प्रेत दिखते हैं दरवाजे से आते हुए जाते हैं। इलाज करना है अब, पूरा करेगी या आधा अधूरा करेगी? फिर दो थोड़े बहुत भूत प्रेत इधर उधर होंगे वो भी आ जाएंगे। करना है नहीं करना बोल, मेरे से तो जुड़ी हुई है, मेरे से अलग कब हुई थी? मैं तो अलग करती नहीं ना तुमसे, तुम्हारी मर्जी होती है तुम आते हो, तुम्हारी मर्जी होती है तुम नहीं आते हो। ऐसा नहीं है कि किसी दरबार से जुड़ो उसके बस सारी उम्र जाना होता है। अरे भैया काम हो गया अपने घर जाओ, मैं भी नहीं चाहती कोई आए दुखी कोई रहे, लेकिन कम से कम तुम गुरु बनाते हो तो गुरु के प्रति इतना तो रखा करो कि भैया उसके बारे में कुछ गलत मत बोला करो, गाली मत बका करो गुरु को। कविता जी संकट कटेंगे, जोत बत्ती होगी हाजिरी होगी और घर में जोत चलेगी घी की। अभी बेटा जी मुझे सब शुरू से करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, अगर उस इस चीज़ पे एग्री हो तो ही इलाज शुरू करो, नहीं तो फिर आप कहीं और दिखा दो। आओ भैया गया, कैसी है तू लाडो? जागरण अच्छा हो गया था? अरे भाई तीसरी बार थोड़ी गुरु धारण कराऊंगी तेरा, अश्विनी हद ही कर रही है तू। अच्छा हाँ पिछली बार तू वो तू गुरु पूर्णिमा पे वो दे के गई थी नोज रिंग वगैरह, और वो तूने बाहर पंडाल में बैठ करके बोला कि ये गोल्ड का है, ठीक है, और फिर तूने अंदर मेरे पास बैठ करके बोला नहीं नहीं मैंने बोला सिर्फ गोल्ड का पॉलिश है, तो ये हरकतें मत करा करो, वो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है अभी भी। हाँ तुम भरी पंडाल में इसने गुरु पूर्णिमा पे क्या करा, एक साल पहले बाहर बैठी थी, तू भी थी ना सुमन जब, शायद जब राजापुरी में, इसने कहा मैं गुरु माँ के लिए गोल्ड की नाथ की कुछ लेकर के आई, भैया मैंने कहा ठीक है भैया माँ भगवती खूब बरकत देगी, वो माई को चढ़ाओ। अंदर आने के बाद कहती है माँ वो मेरे से ना गलती हो गई, वो ना सिर्फ गोल्ड का पानी है उसके ऊपर, मैंने भैया वो जाकर के मंदिर में चढ़ा दी। वहाँ मंदिर वाले मेरे को पता क्या कह रहे, जी नकली चीज मत चढ़ाया करो, इसमें तो गोल्ड का पानी छोड़ दो आर्टिफिशियल है। मेरी बात सुन, बात ना चांदी की ना सोने की, जो चीज अब मेरी बच्ची चुन्नी लाते हैं मेरे लिए, मैं उसको भी गले से लगाती हूँ, ये मेरी बच्ची मेरे लिए लेके आई, मैंने इसको भी गले से लगाया, लेकिन उसने मुझे ये बोल के नहीं दिया कि ये गोल्ड है, फर्क है ना भाई इस बात का, वो भी हजार बंदों के सामने, हजार बंदों के सामने तो ये सच्ची हो गई, और अकेले में बैठ के इसने मेरे को वो कह दिया, हजार बंदों को तो ये पता है ना फलाने ने गोल्ड का दिया था। तो थोड़ा सा अश्विनी ये चीजें छोटी लगती हैं बेटा,